चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसका मुख्य कारण है प्रशांत किशोर की गांधी परिवार से बढ़ती नजदीकियां। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता का मंत्र फूंककर सभी पार्टियों को एकजुट कर पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा करने की रणनीति बनाने वाले भी प्रशांत किशोर ही हैं। ऐसे में अब खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में देखा जा रहा है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार गांधी परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें, कांग्रेस नेतृत्व फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार करने के लिए किशोर के प्लान ऑफ एक्शन पर चर्चा में जुटी है। दरअसल राहुल गांधी ने 22 जुलाई को बैठक बुलाई थी, जिसका मुख्य एजेंडा था कि प्रशांत किशोर को अगर पार्टी में शामिल किया जाता है तो उन्हें क्या भूमिका सौंपी जाएगी और उससे पार्टी को क्या हानि लाभ होगा, इस मुद्दे पर चर्चा करना था। बताया गया है कि इस बैठक में जिस ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई, वह प्रशांत किशोर ने इसी महीने की शुरुआत में गांधी परिवार को दिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने संबंधी प्रस्ताव को लेकर हाल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है। बताया गया है कि इसमें अधिकतर नेताओं का मानना था कि उनके आने से कांग्रेस को फायदा होगा। बता दें कि किशोर ने पार्टी को एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाने का सुझाव दिया, जो कि सभी फैसले लेगा और राज्य और जिला कमेटियों को मजबूत बनाने का काम करेगा। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर की ओर से कुछ नहीं कहा गया है और कांग्रेस ने भी इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि अब वे चुनावी रणनीतिकार की भूमिका से मुक्त होंगे। इसके बाद से ही उनके एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में कदम रखने की संभावना जताई जा रही है। अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी की राह कठिन होना तय है। अब इस परेशानी का क्या हल ढूंढेगी बीजेपी, ये देखना दिलचस्प होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।